मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के काई व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉन्च बांधवगढ़ तालाब मैनेजर सुनील तिमारावी के निर्देशन में और उप प्रबंधक राजू बर्मन और समस्त स्टाफ गण की उपस्थिति और आदिवासी कलाकारों और पर्यटकों के साथ पर्यटन दिवस पर केक काटा गया और आदिवासी कलाकारों के साथ पर्यटकों ने झूम कर किया नृत्य, जहाँ पर आदिवासी कलाकारों ने तरह तरह के अपनी नृत्य कला के साथ प्रदर्शन करते हुए खूब आनंद उठाया। साथ ही साथ इकाई की तरफ से सभी जनों को भोजन भी करवाया गया और अतिथि जनों को पुष्प भेंट करके स्वागत किया गया, जिसकी सराहना दूर देश प्रदेश से आए पर्यटकों ने खूब की। क्या नाम हुआ सर? मैं लखनऊ से आया हूँ जी। मैं प्रदीप गुप्ता एंड माय वाइफ अंजू जी। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप रास्ते तक से दे आर ट्रैकिंग मी कि आप कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर भी इट इज़ बीइंग रन मच बेटर इन अ बेस्ट बेटर वे देन अ प्राइवेट सेक्टर होटल और Very hospitable, everything is functioning, rooms are wonderful, and particularly Suren साहब, जो सुरेन चौहान हैं, वो तो मेरे को शुरू से ही स्ट्राइक कर रहे, सुबह से फ़ोन करते हुए आखिर तक मेरे को पहुँचाए यहाँ तक, एंड मिस्टर मनरावी द मैनेजर ऑल्सो इज वेरी पोलाइट, और सब कुछ एवरीथिंग ऑल द होल स्टाफ इज वेरी पोलाइट एंड दे आर डूइंग इट ग्रेट जॉब। सर, ये जो आज का प्रोग्राम एम्पिटोरियम में रखा गया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पैसा लगा आपको ही बंद सर, आज एमपी टूरिज्म फॉरेस्ट टाइगर व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज में जो प्रोग्राम रखा गया था ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डे की उपलक्ष पर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा, बहुत ही अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और ओवरऑल ये एमपी व्हाइट टाइगर रिसॉर्ट जो है उसका ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी दैट इज़ बियॉन्ड डाउट, फूड इज़ एक्सेलेंट, सर्विसेज आर एक्सेलेंट, सब बढ़िया है, और यहाँ के जो हमारे मैनेजर है सुनील मरावी जी और धुरेंद्र चौहान, उनका ये पूरा मेंटेन करने में ज़्यादा उनका ध्यान उसकी तरफ है, और उनकी वजह से शायद ये इतना बढ़िया तरीके से यहाँ के आने वाले गेस्ट है उनको ये सपोर्ट करते हैं।